नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने नेताजी के जन्मदिन पर एक बड़ा बयान दिया था कि जैसे कि नेताजी ने मेहनत करके समाजवादी पार्टी को बनाया, समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी बनाई कि उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जी ने कल नेताजी के बर्थडे पर एक संकल्प लिया था और संकल्प के साथ एक बड़ी बात कही थी। आइए देखते हैं कि अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहा था नेताजी के जन्मदिन पर। आइए सुनते हैं। मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठे हैं, साथ ही साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता हैं, न केवल लखनऊ में आज पार्टी कार्यालय में, बल्कि जहां जहां नेताजी को जानने वाले लोग रह रहे हैं, जहां जहां समाजवादी पार्टी की यूनिट है, किसी न किसी रूप में जन्मदिन मना रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। वहीं नेताजी को भी आज जन्मदिन की हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और हम समाजवादियों के ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद रहे। जो संघर्ष का रास्ता उन्होंने दिखाया, जो समाजवादी रास्ता उन्होंने दिखाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर के हम समाजवादियों को हमेशा उन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया। वो संघर्ष के रास्ते पे लेके गए। आज जरूरत है कि उसी तरह का समाजवादी रास्ता अपनाया जाए और आने वाले समय में समाजवादी लोग यही संकल्प लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सपना पूरा हो। और एक बार फिर जो खुशहाली का रास्ता समाजवादियों ने बनाया था, उस रास्ते पे चलने के लिए हम सभी समाजवादी लोग आज संकल्प ले रहे हैं नेताजी के जन्मदिन के दिन। नेताजी आ जाए पार्टी ऑफिस में, उन्होंने जोश भी भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये जोश बरकरार रखना चाहिए, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है और रणनीति के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब ने बधाई दी नेताजी को, क्योंकि राजनीतिक शिष्टाचार ये है कि जब किसी भी नेता को कार्यक्रम या इस तरह का जन्मदिन होता है, मैं समझता हूँ समाज के हर हिस्से से बधाइयां आती हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, साथ साथ स्पीकर साहब का और देश के गडकरी साहब जी जो बड़े मंत्री हैं, ऐसे तमाम नेता जो पार्टी किसी के बने रहे हों लेकिन नेताजी को किसी न किसी रूप में जानते थे, उनका काम देखा है, मैं उन सब का धन्यवाद।